नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट जो कि हमारे चैनल पार्सोपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों, चेहरे के सफ़ेद दाग। चेहरे के सफ़ेद दाग कई तरीके के होते हैं, जिसमें से पर्टिकुलर पिट्रियासिस एल्बा के बारे में बात करेंगे। इसके क्या कारण हो सकते हैं, किस तरीके का देखने में आता है, कैसे अपनी इसको पहचानेंगे, साथ साथ में होम्योपैथी ट्रीटमेंट से इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, यही बिंदु रहेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो हमारे जो नए वीडियो आ रहे हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, चर्चा स्टार्ट करते हैं। चेहरे के सफ़ेद दाग, जिसको पिट्रियासिस एल्बा बोला जाता है, यानी चेहरे के जो दाग, इससे कंपेरिजन कर सकते हैं वो है विटिलिगो, या जिसको ल्यूकोडर्मा भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज के अंदर, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये जो दाग होते हैं चेहरे के, एक एटोपिक डर्मेटाइटिस जिसको बोला जाता है, उसी के पार्ट होते हैं। और इसके अंदर ओवल शेप के अंदर इरेगुलर शेप, बिल्कुल इसके मार्जिन साफ नहीं होते हैं, बिल्कुल इरेगुलर शेप के अंदर व्हाइट सफ़ेद जैसा हल्का सा सफ़ेदी लिए, पूरी तरीके से सफ़ेद नहीं होता है, हल्का सा सफ़ेद पीलापन लिए या रेडिश पैच बन जाता है, जिसकी जो मार्जिन होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, और उसको थोड़े दूरी से भी अपन देखेंगे तो उसको देख नहीं पाते हैं, पास में जाते हैं तो आराम से दिखता है। इसके अंदर कई बार खुजली महसूस हो सकती है, हल्के हल्के बहुत छोटे छोटे फाइन स्केल्स, पपड़ी सी, बहुत छोटी छोटी पपड़ी सी बनती हुई नजर आ सकती है। ये जो ओवल शेप होते हैं, ये जो पैचेज होते हैं, उनके ऊपर हाथ लगाने से ये थोड़े से रफ नजर आते हैं, यानी कि अदर स्किन पे अपन लगाते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं तो थोड़ा रफनेस महसूस इसके ऊपर होती है, हल्की हल्की इसके अंदर जलन हो सकती है या रफनेस भी हो सकती है। कुछ जो केस होते हैं वो रेडिश भी लिए होते हैं, और ये धूप, जैसे धूप के अंदर जाते हैं तो ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं, यानी कि सन एक्सपोजर की वजह से ये थोड़े से ज़्यादा दिखने लग जाते हैं, या समर मंथ्स के अंदर होते हैं ये ज़्यादा दिखते हैं। अब बात करते हैं कि ये किस कारण की वजह से होते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनके गालों के ऊपर हल्के हल्के छोटे 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 ओल से छोटे छोटे जो दाग धब्बे देखने को आते हैं। ये जो दाग धब्बे हैं आपके नेक पे भी हो सकते हैं, चेस्ट पे हो सकते हैं, बैक पे हो सकते हैं, आर्म्स पे हो सकते हैं, यानी कि इन पार्ट्स पे ज़्यादा प्रोमिनेंट देखने को मिलते हैं। ये इनका सबसे बड़ा कारण एग्जैक्टली नोन नहीं रहता है, लेकिन मानते हैं कि बच्चों के अंदर पेट में कीड़े होने की वजह से हो जाता है, और ये ऑटो इम्यून भी मानते हैं। आपकी इम्यूनिटी अगर वीक हो जाती है उसकी वजह से, इसके लिए कई जिम्मेदार फैक्टर होते हैं, कई बार किसी तरीके कोई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर है तो भी हो सकता है, या फिर कोई इरिटेंट्स बॉडी के कॉन्टेक्ट में आने की वजह से भी हो सकता है। कुछ जो जैसे यीस्ट इन्फेक्शन होते हैं वो भी इनके अंदर साथ कई बार को एग्जिस्ट कर जाते हैं, तो उनकी वजह से बहुत सारे कारण होते हैं इसकी वजह से ये चीज़ डेवलप हो सकती है। तो इसकी जो कारण है, ये कई बार क्या होता है कि अपने आप डिसअपीयर हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, इस तरीके का चलता रहता है, या काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू भी बने रहते हैं। तो उन केसेस के लिए ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि आप काफ़ी तरीके के लोकल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, काफ़ी तरीके की मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसके बाद भी ये वाइट जो पैचेज होते हैं जा नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इसमें लोकल एप्लीकेशन का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। लोकल एप्लीकेशन के अंदर आप डिटर्जेंट को बिल्कुल अवॉइड करें, इसके ऊपर साबुन है या साबुन किसी भी तरीके का कोई डिटर्जेंट होता है, उसका पानी नहीं लगने दें चेहरे के ऊपर, उस पार्ट के ऊपर, तो इसके अंदर काफ़ी रिलीफ रहेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इसमें लोकल मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोकोनट ऑयल का अच्छी तरीके से सुबह से हम दो टाइम नहाने के बाद में हल्का हल्का इसके ऊपर रब कर सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा आपको। इसमें इचिंग नहीं होगी, बर्निंग किसी तरीके का कोई सेंसेशन आपको नहीं लगेगा, इसमें रफनेस भी आपकी कम हो जाएगी। अब बात करते हैं कि क्या क्या मेडिसिन इसके अंदर यूज की जाती है। दोस्तों, फर्स्ट टॉप लीडिंग मेडिसिन के अंदर आती है बेसिलिनम 200। इसको इसके जो केसेज होते हैं, इनको ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले एक खुराक दी जाती है सुबह खाली पेट, इसकी 15 दिन के बाद में इस डोज को रिपीट किया जाता है। अब जो सेकेंड मेडिसिन है उसके बारे में बात करना चाहेंगे कि सबसे टॉप लीडिंग मेडिसिन जो कंटिन्यू रेगुलर देते हैं वो है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 की पावर की 5-5 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार दी जा सकती है। ये ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर पैचेस के अंदर जलन होती है, सूखापन लगता है, खुजली आती है, इसके साथ में जो है पेशेंट के अंदर रेस्टलेसनेस रहती है, बेचैन रहता है, और बेचैन के साथ में इसकी जो कंडीशन होती है कि धीरे 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 गर्मी के अंदर ये बढ़ता है। अगर ऐसे केसेस होते हैं उनके लिए आर्सेनिक एल्बम बहुत ही सूटेबल मेडिसिन होती है। सेकेंड मेडिसिन के बारे में बात करने चाहेंगे, वो है दोस्तों नेट्रम यूरेटिकम। नेट्रम यूरेटिकम के केस
इस तरीके के होते हैं जिनके गर्मी जैसे एक्सपोज होती है, गर्मी के अंदर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर इरिटेशन महसूस करने लग जाते हैं, बर्निंग होने लग जाती है, या ये प्रोमिनेंट हो जाते हैं, बिल्कुल रेडिश नज़र आने लग जाते हैं उन केसेस के लिए, या जिनकी क्रेविंग साल्ट के प्रति ज़्यादा रहती है उन केसेस के लिए ये बहुत ही सुटेबल मेडिसिन है एट्रम्यूल। दोस्तों उसके बाद जो मेडिसिन आती है वो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस उन केसेस के लिए अच्छी वर्क करती है जहाँ पर आपको ड्राई पैचेस बिल्कुल रफ नज़र आता है, रफ के साथ में कुछ केसेस के अंदर इचिंग भी हो सकती है, और इचिंग के साथ में कई बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंजेस होते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन रहना और किसी तरीके की दिक्कत, पेट से संबंधित दिक्कत रहना, उनके अंदर बहुत सूटेबल मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। दोस्तों उसके बाद जो मेडिसिन आती है वो है सल्फर। सल्फर कॉन्स्टिट्यूशन अगर है, बच्चे की जो स्किन है वो अनहेल्थी है, गर्मी के अंदर दिक्कत ज़्यादा हो रही है, रफ स्किन है, इचिंग ज़्यादा हो रही हो, स्क्रेच करने से उसमें बर्निंग होने लग जाती हो, ऐसे ही जो केसेज होते हैं उनके लिए सल्फर सूटेबल रहती है, या जिनकी क्रेविंग ज़्यादा होती है मीठा खाने के प्रति उन केसेज के लिए भी सूटेबल रहती है। बच्चों की जब कई बार क्रेविंग ज़्यादा होने लग जाती है या वॉम्स की प्रॉब्लम होती है बच्चों के पेट के अंदर, उनके लिए भी सूटेबल मेडिसिन है। अब एक मेडिसिन आपको और बताना चाहूँगा, वो है दोस्तों सीना। सीना जो मेडिसिन है जो बच्चे रात को दांत किटकिटाते हैं, पेट में वॉम्स की प्रॉब्लम रहती है, बिल्कुल थके थके रहते हैं, खाना खाते हैं लेकिन शरीर के लगता नहीं है, ऐसे केसेज होते हैं, इनका पेट फुला फुला रहता है, ऐसे केसेस के अंदर बेहतर वर्क करती है सीना 30। सीना 30 की भी 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार दी जा सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों पिट्रियासिल एल्वा जो काफ़ी एक तरीके से चेहरे पे बनने के से जो ब्यूटी है वो थोड़ा सा मेजर्स आ जाते हैं इसके अंदर कि चेहरे पे अच्छे नहीं लगते हैं दाग बच्चों के, छोटे बच्चों या बड़े बच्चे होते हैं उनके, तो वो भी चीज़ सॉल्व हो जाती है इन चीज़ से, वो नेचुरल तरीके से आपके अंडरलाइन कोज होता है उसको ट्रीट करते हुए ये इम्यूनिटी के बेस पे मेडिसिन वर्क करते हैं और आसानी से कवर करते हुए इन चीज़ को ठीक करती है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जियो जिंदगी करण होम्योपैथी के संग। धन्यवाद दोस्तों।